तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोफाइल बैकलिंक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, या नो फॉलो या डू फॉलो। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहाँ पे जो है आपको मिलियंस का ट्रैफिक है और आप अच्छा खासा डू फॉलो बैकलिंक्स आप जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है, जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पे बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर SEO के वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उससे क्या होगा गाइस, जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर आपके पास नोटिफाई होता रहेगा। इसके अलावा गाइस जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो गाइस आप मुझे डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर आप चैनल पे विजिट करोगे आपको जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे जो है SEO ऑफ पेज में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, जितनी भी सबमिशंस होते हैं, वो सारा कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। इसके अलावा जो है इंडेक्सिंग के रिलेटेड भी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट या बैकलिंक्स को ईजिली आप इंडेक्स कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये एक वेबसाइट है। जैसे आप अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया या ट्विटर हो गया, उसी तरह का वेबसाइट है। यहाँ पे जो है आप अच्छा खासा आप अपना पोस्ट का आप इमेज शेयर कर सकते हो, उसके मदद से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये गाइस इस वेबसाइट में बैकलिंक्स कैसे जनरेट करेंगे वो चीज़ में आप बताने से पहले जो है इस वेबसाइट का DAP और स्पैम स्कोर आप देख पा रहे होंगे। गाइस 82 इसका DA और स्पैम स्कोर खाली 1% है और 14 साल पुराना प्लस वेबसाइट है। तो गाइस आप समझ सकते हो जितना ज़्यादा पुरानी वेबसाइट होती है उतनी ज़्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट होती है। इसके साथ में गाइस एक चीज़ आपने नोटिस कर लिया होगा कि गाइस इस वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है खाली 1% है, तो गाइस वो सबसे अच्छी बात है। और इस वेबसाइट के मैं ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो गाइस ट्रैफिक चेक करने के लिए जो है मैं सिमिलर वेब टूल मैं यूज़ करूंगा। तो गाइस यहां पे मैं आप देख पा रहे होंगे मैंने यहां पे URL को कॉपी कर लिया, उसके बाद सिमिलर वेब टूल ओपन कर लिया। फ्री वाला भी होता है, प्रीमियम वाला भी होता है, लेकिन मैं फ्री वाले पे जाता हूं ताकि हर कोई यूज़ कर पाए ये टूल को। और उसके बाद आप यहां पे देख पा रहे होंगे गाइस मैंने वेबसाइट को यहां पे एंटर कर दिया और आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट 357.3 मिलियंस का ट्रैफिक है। तो गाइस आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इस वेबसाइट में। और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो जापान है, उसके बाद थर्ड कंट्री आता है USA से। तो गाइस USA का भी ट्रैफिक आता है और जापान का भी ट्रैफिक आता है। तो गाइस आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ट्रस्टेबल, कितना ज़्यादा वैल्यूबल वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट में अगर आपको एक बैकलिंक्स मिल जाता है और उस बैकलिंक्स को इंडेक्स करा देते हो, उसके बाद आप अपना पोस्ट कर करके जो है आप अच्छा खासा आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। तो गाइस वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आपको वेबसाइट ओपन करना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप ओपन करोगे आपको बस क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे आप अपना गूगल ID से आप लॉगिन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, या फेसबुक से आप कर सकते हो, या मैनुअली भी आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आप साइन अप कर लेना। जैसे आपका जो अकाउंट है वो साइन अप हो जाएगा तो गाइस इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपकी जो प्रोफाइल है प्रोफाइल को ओपन करना है, उसके साथ में एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद जो है यहाँ पे बस आपको बस सेव करना है। उससे पहले गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस इंस्टाग्राम ID आपको दिख रहा होगा। अगर पर्सनली अगर आप मेरे से कुछ भी बात करना चाहते हो आप डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ID आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप इंस्टाग्राम में जाके भी आप सर्च कर सकते हो SEO स्मार्ट की करके, आपके पास जो है इस तरह का ID आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है और इसको जो है मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि नो फॉलो या डू फॉलो बैकलिंक्स है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे गाइस मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दिया है और कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। तो गाइस ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। तो गाइस बैकलिंक्स तो हमने क्रिएट कर दिया है, अब जो है इस वेबसाइट से हम ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको देख पा रहे होंगे एडिट में जो है एक ऑप्शन दिखेगा पोस्ट करके, पोस्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे थर्ड ऑप्शन में क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बस डिटेल्स फुलफिल करना है, जैसे आपका जो इमेज हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, सारे जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप फुलफिल कर लेना। मैं एक प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, आप देख पा रहे होंगे इस तरह का आपका इमेज आ जाएगा और यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ऐसे करके अगर आप शेयर करते रहोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रांड है वो अवेयर होना स्टार्ट होगा। जितना ज्यादा आपकी जो ब्रांड, आपकी जो प्रोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना
उतनी जल्दी इंडेक्सिंग भी होगा, उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपकी वेबसाइट के लिए और ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।